गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। बच्चों अपन पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन भी बोल सकते हो। नरेशन की अपन लास्ट दो वीडियोस के अंदर जाना कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जानी। और साथ ही लास्ट जो वीडियोस थी उसमें अपन कर रहे थे टेंस संबंधित चेंजेस, यानी टेंस संबंधित परिवर्तन कर रहे थे। और उसमें लास्ट वीडियोज में अपन ने ये जाना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का क्या नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। ये लास्ट वीडियोज में अपन ने यानी कि किया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट वीडियोज में अपन ने जाना कि प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब होगी से और सेज, और फ्यूचर की क्या होगी, सेल से और विल से। तो लास्ट वीडियोस में अपन ने यही जाना था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आ जाए, सेज आ जाए, सेल से आ जाए या विल से आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंजिंग यानी कि नहीं होगा। ये लास्ट वीडियोस के अंदर अपन ने जाना था। तो आज उसी क्रम में अपन यानी कि करने वाले हैं बच्चों डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के अंदर चेंजेस ऑफ टेंसेज, यानी कि टेंस के अंदर यानी कि क्या परिवर्तन होने वाला है। तो अपन ने पहला रूल यानी कि कर चुके थे, आज ये जो दूसरा जो रूल कर रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लास्ट में तो अपन ने यह जाना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में अपन ये जानने वाले हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो यानी सेड के रूप में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगी, टेंस चेंजिंग होगी। तो आप लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख दोगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, पहले तो अपन ने पहले पार्ट में यही पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन यानी कि ये पढ़ेंगे, नोट लगा के आप लिख लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है बच्चों, ये अपन आज करने वाले हैं। अब पास्ट टेंस, पास्ट आप जानते हो, जैसे प्रेजेंट में अपन ने क्या जाना था, से जाना था, सेज जाना था, तो उसी तरह से का पास्ट क्या बन जाएगा, सेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। तो आज अपन यही जानने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड के रूप में है, किसके रूप में है, सेड के रूप में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है, अपन को टेंस चेंजिंग करनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के रूप में नहीं है तब अपन को टेंस चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो सेड के रूप में है एक यानी कि सेंटेंस, एक यानी कि एक तरह का यानी कि वाक्य ऐसा भी आएगा, वो कौन सा होगा, वो होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, उसमें सेड होगा लेकिन टेंस चेंजिंग नहीं होगी। वो पार्ट अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी अपन को ये जानना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड के रूप में है, पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगी, आपको टेंस चेंजिंग यानी कि करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको टेंस संबंधित यानी जो परिवर्तन है वो बोर्ड पे लिख दिया है, आप इस तरह से यानी लिख सकते हो चेंजेज ऑफ टेंसेज। अब ध्यान आपको क्या करना है कि डायरेक्ट में इस साइड के दिए हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस साइड जो मैंने लिख रखा है वो चीज आपको यानी कि इनडायरेक्ट में लिखोगे। जैसे डायरेक्ट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दिया हुआ है, आप इनडायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को किस में बदल दोगे, सेकेंड फॉर्म में बदल दोगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट के अंदर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, डू या डज, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर दोगे। ठीक है, ये आपको रूल याद करने होंगे, टेंस चेंजिंग यानी कि परिवर्तन जो रूल्स है वो आपको याद करने होंगे। अगर अगला है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर को आप किस में बदल दोगे, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में बदल दोगे। अगला अपना क्या है कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है
तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की सेकेंड फॉर्म को किस में बदलोगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलोगे। अगला रूल है कि अगर सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। किसको? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। अगला है अगर सेंटेंस में वाज या वर आए तो आप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाज या वर को किस में बदलोगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदलोगे। अगला क्या है कि अगर डायरेक्ट बनाते समय हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो आप हैज या हैव को किस में बदल दोगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर बदल दोगे। उसके बाद क्या है अगर हैज या हैव प्लस बीन आ जाए, हैज बीन हैव बीन आ जाए तो आप किसको किस में बदल दोगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के अंदर बदल दोगे। इसी तरह से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज इट इज रख देना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, हेड का हेड में ही रहेगा। इसी तरह से हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आए तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को भी हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में ही रख देंगे। ठीक है, अब अगला है सेल या विल। सेल या विल तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। किसमें? सेल या विल को शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह से सेल हैव या विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप इसको सेल हैव विल हैव को आप किस में बदलोगे? शुड या वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड या वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से कैन को कुड में बदलोगे, मे को माइट में बदलोगे। अब मस्ट है बच्चों, मस्ट का आप मस्ट भी कर सकते हो, मस्ट को हैड टू भी में भी आप चेंज कर सकते हो और वुड हैव टू में भी आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये क्या है? टेंस संबंधित, यानी कि आपको परिवर्तन लर्न करना है, ध्यान रखना है, आपको कॉपी में भी यानी कि नोट करना है। जब तक आपके ये टेंस संबंधित परिवर्तन तैयार नहीं होंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बच्चों खासतौर से दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपको प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है वो आना चाहिए, दूसरा क्या है आपको ये जो टेंस संबंधी जो परिवर्तन है ये भी आपको आना चाहिए। इन दो के बगैर आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यानी कि नहीं कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेंस संबंधित परिवर्तन के बाद। अब अपन करने वाले हैं समय और दूरी संबंधित परिवर्तन। तो समय और दूरी संबंधित परिवर्तन जो जो यानी कि चेंजेस है वो मैंने बोर्ड पे यानी कि लिख दिया है। एक एक चीज आपको यानी कि बताने वाला हूं कि किस तरह से डायरेक्ट में आए तो इनडायरेक्ट में आप यानी कि चेंज करोगे। तो सबसे पहले देखिए कि डायरेक्ट के अंदर अगर दिस दिया हो तो आप उसको किस में बदल दोगे? इनडायरेक्ट बनाते समय दिस को देट में बदल दो। ठीक है, दीज दिया हो तो दीज को आप किस में बदल दोगे? दोज में बदल दोगे। हेयर दिया हो तो हेयर को आप किस में बदल दोगे? देयर में बदल दोगे। नाउ दिया हो तो नाउ को आप किस में बदल दोगे? देन में बदल दोगे। एगो दिया है तो एगो को आप बिफोर में बदल दोगे। टुडे दिया है तो देट डे। टू नाइट दिया है तो देट नाइट में बदल देंगे। टुमोरो दिया है तो द नेक्स्ट डे में बदल दोगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे के अंदर बदल दोगे। लास्ट डे करके कोई भी आ जाए तो लास्ट को द प्रीवियस, जैसे लास्ट डे द प्रीवियस डे, लास्ट संडे द प्रीवियस संडे, तो लास्ट को आप किस में बदलोगे? द प्रीवियस में। और नेक्स्ट अगर आ जाए तो नेक्स्ट को आप बदलोगे द फॉलोइंग में। किस में बदलोगे? द फॉलोइंग में बदलोगे। जैसे नेक्स्ट संडे तो द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। इसी तरह से थस को आप किस में बदलोगे? सो में बदलोगे। और जस्ट को आप किस में बदलोगे? देन में बदलोगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस संबंधित परिवर्तन और समय दूरी संबंधित परिवर्तन है वो समझ आ गया होगा। ये दोनों चीजें आपको यानी कि लर्न करनी है। अब क्या करते हैं अपन, असर्टिव सेंटेंस है वो यानी कि शुरू करते हैं। एक एक प्रकार का यानी कि एक एक सेंटेंस लेते हैं और उसको अपन यानी कि क्या करते हैं आपको यानी सिखाते हैं कि किस तरह से यानी कि आपको चेंजिंग। आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो या ज्यादा बेटर रहेगा असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक यानी कि वाक्य। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब इसमें बच्चों अपन को क्या करना है, कुछ परिवर्तन आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले तो यानी कि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेंज करनी होगी। असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होगा जिसके लास्ट में यानी कि फुल स्टॉप लगी होगी, जो सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में क्या होगी रिपोर्टेड स्पीच, जो सब्जेक्ट से शुरू हो और लास्ट में क्या हो फुल स्टॉप लगी हो उसको अपन क्या बोल देंगे असर्टिव वाक्य बोल देंगे। तो इसका अपन को ध्यान क्या रखना है, इस सेंटेंस के अंदर सेड को आप किस में बदलोगे, सेड को टोल्ड में बदलोगे, सेड को किसमें बदलोगे टोल्ड के अंदर बदलोगे, क्योंकि उसमें से था प्रेजेंट वाले में, से को टेल में बदला, अब इसमें पास्ट हो जाएगा, पास्ट होते ही सेड को से का सेड बन गया और टेल का क्या बन जाएगा टोल्ड बन जाएगा। तो सेड को आप किसमें बदलोगे टोल्ड में बदलेंगे या चेंज करेंगे, ठीक है। एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सेड को किसमें बदलना है टोल्ड में यानी कि बदलना है। नंबर दो बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा डेट का प्रयोग किया जाएगा, उसमें भी डेट था और इसमें भी क्या होगा डेट का प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों। खास तौर से ये दो बातें यानी कि ध्यान में रखनी है, असर्टिव सेंटेंस में सेड को टोल्ड में, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग, टेंस संबंधी जो परिवर्तन आए वो आपको ध्यान रखना ही है, अभी मैंने आपको लिखा दी, समय दूरी संबंधित कोई यानी कि ऐसा आए तो आप वो भी आप ध्यान रख लीजिए, समय दूरी संबंधित परिवर्तन भी आपको क्या करना है उसमें आपको करना होगा। जैसे अपन एक सेंटेंस कर देते हैं, यू सेड टू मी आई वेंट टू द स्कूल, जैसे सेंटेंस क्या है अपना डायरेक्ट का, You said to me, you said to me, यह अपना सेंटेंस है, I went to the school yesterday, I went to the school yesterday। देखिए बच्चों और सारे जो रूल्स है वो अपन पढ़ चुके हैं, कोमा को हटाना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, सेड के बाद या से सेज रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू आए उसको हटाना है, ये लास्ट वीडियोज में अपन कर चुके हैं। तो अब इसको देखो, यू सेड टू मी एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, इसमें सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस, और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच वाला। इसको आप किस तरह से करोगे, तो देखिए सबसे पहले यू का आप यू लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, आई सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप लगी हुई है और ये सिंपल सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यह होता है तो सब्जेक्ट वर्ब और यह ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो कहने का मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में सेड को किस में बदलोगे टोल्ड में बदलोगे और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग। तो देखो यू का तो यू कर दिया, अब सेड को सिंपल सेंटेंस में किस में बदलोगे टोल्ड में, तो क्या किया टोल्ड, यू टोल्ड टू को हटा देंगे इन्वर्टेड को ये इनडायरेक्ट बनाते समय और सेस क्या बचा मी, तो यू टोल्ड मी कोमा को हटा दीजिए, इनवर्टेड कोमा को हटा दीजिए, दो सेंटेंस है दो का एक बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे दैट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट, इतना हो गया मतलब आधा सेंटेंस आप कर चुके हो। अब देखिए आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में बदला जाएगा ये आपको प्रोनाउन टेबल में आपको करवा चुका हूं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नोचे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है यू और ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो आई को आप बदलोगे यू के अनुसार तो क्या हो जाएगा यू का आई की देखो पहली फॉर्म आई है, आई को यू में बदलोगे तो यू का यू हो जाएगा, या अगर यहां रहीम होता राम होता तो यहां क्या कर देते ही कर देते, यहां सीता गीता होती तो यहां क्या कर देते सी कर देते, आई को यू में बदलोगे तो आई का फर्स्ट यू आई है तो यू का फर्स्ट भी क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, तो यहां पर यू का, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए वेंट, टेंस संबंधित परिवर्तन करना है अब क्योंकि सेड दिया है,
अगर सेज दिया होता तो आप वेंट का वेंट कर देते, टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहां पे देखिए वेंट गो वेंट गोन, गो वेंट गोन सेकंड फॉर्म है। अब देखिए टेंस संबंधित परिवर्तन में आप जाइए, मैंने लिखाया था अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट में दी हो, इनडायरेक्ट बनाते समय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। सेकंड फॉर्म को किस में बदल दोगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म वेंट है तो यहां किस में बदलोगे? हेड, और वेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन, गो वेंट गोन। तो क्या हो जाएगा? हेड गोन टू द स्कूल। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए यस्टरडे, टेंस संबंधित परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये यस्टरडे बीता हुआ कल, ये क्या आ गया? यस्टरडे, ये चीज है समय और दूरी संबंधित परिवर्तन अपन को करना होगा। समय सूचक शब्द आ गया यस्टरडे, बीता हुआ कल। इसके लिए कौन सा वर्ड बताया था? द प्रीवियस डे। यस्टरडे को आप क्या बोल सकते हो? द प्रीवियस डे। तो आपको यह भी चेंजिंग करनी होगी, यस्टरडे का यस्टरडे लिखोगे तो गलत माना जाएगा। तो आप यस्टरडे की जगह क्या कर दीजिए? द प्रीवियस डे। तो ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। तो इस तरह से अपना पहला एग्जाम्पल रहा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है सेंटेंस क्या हो, एसर्टिव सेंटेंस हो, उसमें सेड को टोल्ड में बदलोगे, जोड़ने के लिए डेट का प्रयोग करोगे। बस इतना सा आसान सा है। जैसा अगला है सीता सेड टू हिम, यू कैन यूज माई पेन। तो देखिए सीता सेड टू हिम यू कैन यूज माई पेन, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सीता का तो क्या लिख देंगे? सीता लिख देंगे। सेड को किस में बदलोगे? टोल्ड में। तो सीता टोल्ड, टू को हटा दोगे, बचा क्या? हिम। तो सीता टोल्ड हिम। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनको क्या कर दोगे? हटा दोगे और इसकी जगह क्या कर दोगे? दो सेंटेंस को जोड़ दोगे। असर्टिव सेंटेंस में सेड को जोड़ते, यानी दो वाक्य को किससे जोड़ेंगे? डेट से। तो सीता टोल्ड हिम डेट। इतने में आपके कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? आई माई मी वी आवर अस, पहला पर्सन, यू योवर यू दूसरा पर्सन, सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन किस में बदलता है? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? सीता, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो यू को बदलोगे आप किस में? हिम में। अब देखो यू की पहली फॉर्म यू है, यहां पे हिम को आप सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हो यहां पे, तो यहां पे हिम का पहला क्या बन जाएगा? हिम की सेकंड क्या होती है? हिज, और पहली क्या होती है? ही। तो यहां क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही। अब देखिए केन मॉडल है, टेंस संबंधित परिवर्तन करना है। केन को किस में बदलोगे? कुड में बदलोगे। किस में बदलोगे? कुड में। तो ही कुड। अब यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए माई, माई कौन सा पर्सन है? पहला पर्सन है, सेकंड फॉर्म है, पजेसिव है। पहले पर्सन को सब्जेक्ट में बदलोगे। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के लिए क्या आता है? सी। अब देखिए आई की सेकंड फॉर्म माई, तो यहां सी की सेकंड क्या कर दोगे? हर कर दोगे। सी हर हर। तो यहां क्या हो जाएगा? ही कुड यूज हर पेन। और लास्ट में फुल स्टॉप, कोमा इन्वर्टेड कोमा सब हट जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आई सेड टू देम, आई सेड टू देम यू आर वर्किंग hard in these days, in these days। अब देखिए कि I said to them, मैंने उनसे कहा कि you are working hard in these days। इसको आप चेंज करोगे तो देखिए I का तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। said को किस में बदलोगे? told में बदलोगे। to को हटा दिया, बच्चा क्या? them। तो क्या हो जाएगा? I told them। जोड़ेंगे किससे? देट से। किससे? देट से। आई टोल्ड देम देट, इसको हटा देंगे। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देम।
क्या है देम। अब देखो यू का पहली यू और देम का फर्स्ट क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, देम देर दे, तो यहां क्या बन जाएगा यू को देम में बदला तो दे। अब देखिए टेंस संबंधित परिवर्तन करना है, इज एम आर को आप किस में बदलोगे, वोज या वर में बदलोगे, तो क्या हो जाएगा दे वर वर्किंग हार्ड इन। अब देखिए समय दूरी संबंधित परिवर्तन, दीज डेज, दिस को डेट में, दीज को दोज में, तो दीज का क्या बन जाएगा दोज बन जाएगा, दोज डेज। ठीक है बच्चों, समझ आया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अभी तक नए हो इस चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कुछ एग्जांपल अपन कर लेते हैं, उसके बाद अपन असर्टिव सेंटेंस अपना पूरा हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, टेंस संबंधित जो चेंजिंग है वो आनी जरूरी है। टेंस संबंधित परिवर्तन अगर आप कर सकते हो तो कहने का मतलब आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम आसान है, कोई भी यानी कि उसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला है मिस्टर सेड टू हिज मिसेज, टू हिज मिसेज, मिस्टर सेड टू हिज मिसेज। अब आगे क्या लिखोगे, सीता हैज रिटन ए स्टोरी फॉर मी। तो देखिए मिस्टर सेड टू हिज मिसेज, सीता हैज रिटन ए स्टोरी फॉर मी। तो इसको आप चेंज करोगे तो मिस्टर, तो मिस्टर का आप क्या कर दीजिए, मिस्टर कर दीजिए। सेड को किस में बदलोगे, टोल्ड में, तो मिस्टर टोल्ड, टू को हटाया, हिज मिसेज, हिज मिसेज। यहां मिस्टर अपनी वाइफ के लिए बोल रहा है तो हिज आएगा, ठीक है, तो मिस्टर टोल्ड हिज मिसेज। अब जोड़ोगे किससे, डेट से। अब देखिए आगे सीता, सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई का नाम आ जाए, ही सी इट दे आ जाए तो वह थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग होता है। अगर यहां सी आ जाता तो अपन यहां सी का सी कर देते, लेकिन यहां सीता दिया है तो आप सीता का सी मत कर देना, यहां सीता का सीता लिख दो। आप क्या लिख दोगे, सीता का सीता लिख दोगे, क्योंकि थर्ड पर्सन है नो चेंजिंग, तो यहां क्या कर दोगे, सीता का सीता हो गया। अब हेज हेव, हेज हेव को किस में बदलोगे, हेड में, तो सीता हेड, अब रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, अब ए स्टोरी फॉर मी। अब देखो मी कौन सा पर्सन है, पहला पर्सन है, थर्ड फॉर्म है, पहला पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है मिस्टर, मिस्टर के लिए क्या आता है ही, आई की थर्ड फॉर्म मी है तो इधर ही की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, हिम बन जाएगी, फॉर हिम। तो इस तरह से बच्चों आज अपन कर चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, और इस सेंटेंस में किसी तरह की आपको यानी कि कोई समस्या है तो आप जरूर मुझसे यानी कि पूछे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।